अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज हम दिन भर की अपडेट्स देखने वाले हैं, आखिर आज दिन भर हुआ क्या। तो दोस्तों इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आज 27 नवंबर की पूरी कोर्ट अपडेट क्या थी, और दोस्तों जो आपकी कल सुनवाई होने वाली है मतलब 28 नवंबर को, उसमें क्या होगा खास। जस्ट आप पर दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आज आपने देखिए कितने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन किए गए। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी सुनवाई होती आ रही है उसमें इतने क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुए जितने आज ही हो गए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोर्ट की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, कि ये पॉजिटिव जा रही है कि दोस्तों निगेटिव जा रही है, मतलब किसके जीत के हैं आसार। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तो डेफिनेटली आप कुछ चीजें इसमें सीखेंगे और समझेंगे कि हाँ रियल में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, रियल बातें समझिए और एनालाइज खुद भी आप कर सकते हैं। देखिए पहली बात, आज की दोस्तों जो पूरी कोर्ट अपडेट थी आपने देखा होगा, जज साहब ने काफी क्रॉस क्वेश्चन किया। ठीक है ना, तो जज साहब कितने क्रॉस क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इस पर ये मैटर डिपेंड नहीं करता कि अगर जज साहब कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर दोस्तों विपक्ष अगर उसका सही से जवाब नहीं दे पाता तो दोस्तों वहां दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपने आज देखा होगा एक मामला था बीएड के लिए ज्यादा कुछ बहस हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा होगा कि बीएड वाली बातें हो रही थी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा था यार ये नहीं हो सकता था, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, दोस्तों ऐसी ही बातें होंगी, इसमें आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है। क्योंकि देखिए जैसे 60% टीम ने क्या किया, आपने सोचा होगा कि जज साहब ने जब उनसे भी पूछा था कि आप कट ऑफ पर बात करिए, पासिंग मार्क को लेकर बात करिए, तो वो भी दोस्तों फंसते नजर आ रहे थे उस समय। मतलब उन्होंने ये भी पूछा था जज साहब ने कि आखिर आपने जो कट ऑफ लगाई थी वो 6 जनवरी के बाद ही क्यों लगाई, आप 5 जनवरी तक भी लगा सकते थे, पहले क्यों नहीं लगाए। उस समय भी दोस्तों ये बातें हुई थी, आपको ये बातें बहुत अच्छे से पता है। अब दोस्तों बात आती है 40-45 टीम की, तो अब दोस्तों इनके पास भी कोई बिल्कुल सटीक उत्तर तो है नहीं कि क्या जवाब दें, क्योंकि इस बार भी विज्ञप्ति में कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, कुछ बातें आपको रियल बातें समझनी है। अब बात होती है ना दोस्तों कि आपको जीतना कैसे है, कि आपकी टीम कैसे आपको जिताती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना तो 40-45 की अगर देखा जाए दोस्तों इनके पास कोई प्रूफ है कि नहीं भाई इस बार यही होना चाहिए। क्योंकि देखिए पिछली शिक्षक भर्ती को आधार बनाने का एक रीजन क्या है इनके पास, वो हो चुकी है। अब लेकिन दोस्तों उसमें साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा है कि उस शिक्षक भर्ती का 69,000 से कोई लेना देना नहीं है, और 69,000 में दोस्तों ऐसा लिखा है कि आने वाले टाइम में कोई शिक्षक भर्ती आएगी तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात तो दोस्तों सभी ने पढ़ रखी है, देखा है, विज्ञप्ति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, तो विज्ञप्ति भी आप सभी ने देख रखा है। तो अब बात आपके आकर यहाँ फंसेगी ना कि आखिर बात कही क्या जाए कोर्ट में। समय तो दोस्तों सबमिशन तो सबको करना है, अब बात दोस्तों नहीं होती कट ऑफ को लेकर। देखिए कोई भी पक्ष बिल्कुल सही से बात नहीं करता, आपने इसको चाहे 60% टीम को आपने सुनाओ चाहे आप 40-45, तो कल भी एक्सपेक्टेड है दोस्तों जो बातें होंगी या हो सकती है वो बीएड को लेकर हो या कुछ अन्य बातें हो। आपने दोस्तों देखा होगा जो शिक्षा मित्र का पक्ष रख रहा है, आपने देखा होगा कि ये अधिकतर ये भी बोलते हुए आए कि हमारा अंतिम मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मौका दोस्तों 12 अंक को लेकर सिर्फ नहीं मिलेगा। देखिए जज साहब ने एक बात और कही कि शिक्षा मित्रों को छूट दी तो गई, लेकिन कहाँ कहाँ, एक तो दोस्तों उनको एज में छूट दी गई और उनको दोस्तों 25 अंक का 12 अंक दिया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं था कि आपको भाई कट ऑफ में भी या फाइनल पासिंग मार्क में भी छूट मिलेगी, ऐसा तो था नहीं। चलिए दोस्तों मानते ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन फिर दोस्तों बात वही आके खड़ी हो जाएगी कि आखिर जीत किसकी होगी और फाइनल कट ऑफ क्या होगा। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर जज साहब इतने सेटिस्फाइड होते हैं पहले पक्ष से तो दूसरे पक्ष को मौका ही ना मिलता उतना, लेकिन दोस्तों अगर मौका मिला है तो केस अभी बचा है, तो कल ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो दोस्तों आपको कल तक का इंतजार तो अभी करना ही पड़ेगा। काफी पक्ष सोच रहे थे कि आज के जो फैसला है या जो जज साहब ने काफी क्रॉस क्वेश्चन किए हैं उससे किसी पक्ष कमजोर या किसी पक्ष मजबूत हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको रियल बातें समझनी है। फिर से दोस्तों बता रहे हैं कि अभी जो और जितनी भी दिन बहस चलेगी, मतलब 40-45 की टीम जितने दिन भी बहस करेगी दोस्तों, वो हर दिन पासिंग मार्क को छोड़कर अन्य बातों पर ही फोकस करेंगे। क्योंकि दोस्तों पासिंग मार्क को लेकर 60-65 टीम ने भी ज़्यादा बातें नहीं कही, उन्होंने भी दोस्तों आपको देखा होगा विज्ञप्ति सरकार की पावर की बातें ज़्यादा कही गई। अगर आपने पूरी कोर्ट अपडेट हमारी देखी हो, किसी की भी देखी हो, तो 60-65 की टीम ने अधिकतर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो सरकार की पावर को लेकर किया कि सरकार के पास पावर है, सरकार के पास अधिकार है, जब चाहे पासिंग मार्क ये लगा सकते हैं या दोस्तों अन्य बदलाव भी सरकार कर सकती है, ये आपने 60-65 टीम को सुना। अब सिंपल सी बात थी दोस्तों कि अगर 60-65 टीम चाहती तो वो भी सिर्फ पासिंग मार्क को लेकर ही डिस्कस कर सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियलिटी ये है ना, पासिंग मार्क को लेकर दोनों पक्षों के पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो कहें क्या।
अब विज्ञप्ति में कुछ लिखा ही नहीं है। अगर विज्ञप्ति में कुछ भी लिखा होता है, एटलीस्ट ये भी लिखा होता है कि भाई पासिंग मार्क आपका पेपर से बाहर लगेगा, तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों का दोस्तों कोई पक्ष रह ही ना जाता, ऑटोमेटिक हार जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब यार कुछ है ही नहीं बोलने को, तो कुछ इधर उधर की तो बात होगी ना कोर्ट में। अब वहाँ पर भी सभी को सबमिशन अपना देना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपकी आएगी जो ट्रिक, आपने कभी सुना होगा सिंपल सी बात रखे हैं, तो ट्रिक से क्या होती है या दोस्तों कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाए कि जीत दिला सके। देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चों की बात है, दोनों पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है, खड़ा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये कट ऑफ चेंज होने से 30 से 40 हज़ार चेहरे बदल जाएंगे। मतलब क्या है, 40-45 की जीत होगी तो शिक्षा मित्र अधिक तादाद में नौकरी पाएंगे, 60-65 की जीत होगी दोस्तों फिर किसको नौकरी मिलेगी, आपके बीएड के छात्रों को अधिक नौकरी मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर 60-65 में बीएड के छात्र अधिक है, इसीलिए मामला आपको पता है बीटीसी से कुछ मतलब ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि बीटीसी को लेकर कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ बात होती है बीएड और शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट आउट बीटीसी को भी किया जा सकता है, लेकिन उनको नहीं किया जा रहा है, तो बीटीसी के छात्रों के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है यहाँ। वैसे उनको कहने के लिए कोई बात भी नहीं है, लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, केस की सुनवाई को और लंबा कर बढ़ाना चाहते हैं, तो बीटीसी को लेकर भी बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल इनके लिए कोई बात नहीं हो रही। तो एक छोटी सी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे जज साहब और कोर्ट की सुनवाई। आज कुछ चीज़ें दोस्तों क्या चीज़ को रिलेट कर रही थी, मतलब क्या चीज़ मिलती जुलती नजर आई आप समझिए। पहले तो आपने दोस्तों देखा होगा कि जज साहब ने उनसे मिश्रा साहब से सीधे सीधे कहा, मिश्रा सर से, कि ये आपका यही सबमिशन है। जब उन्होंने बीएड की बात कर रहे थे काफ़ी देर तक, उन्होंने दोस्तों ये भी बोला कि भाई ये आपके फाइनल सबमिशन है या नहीं, तो दोस्तों उन्होंने कहा नो सर नो सर। आपने देखा होगा दोस्तों हमारी अपडेट में भी, तो देखिए वो क्या रहा ना, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 40-45 टीम की जो दोस्तों इनकी तैयारी है ना, वो थोड़ी सी अधूरी लग रही थी आज की सुनवाई के बाद, क्योंकि दोस्तों जज साहब काफ़ी बार असहमत होते हुए नजर भी आए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार तो उनके प्रश्नों के जवाब दे पाए, लेकिन दोस्तों हर बार देखिए क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, या तो दोस्तों आपके पास तैयारी अच्छी नहीं है। देखिए कोई क्रॉस क्वेश्चन क्या करता है जब आपको कोई बातें समझ में नहीं आती। अगर आप लोग कभी क्लास की होंगे, करते ही होंगे दोस्तों ऐसी बातें, टेट या सी टेट या कुछ भी पढ़ते होंगे, जब कोई चीज़ अगर आप कोचिंग जाते समझ में नहीं आती, तभी तो आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना। अगर वही चीज़ आप सही से समझाएं, तो क्या कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे जब आपको भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अगर हर बार वो 100% सेटिस्फाइड हुए या 100% संतुष्ट होते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं फिर तो दिक्कत है 40 और 45 टीम के लिए। तो दोस्तों देखिए आज की जो कोर्ट के अपडेट थी, काफ़ी बच्चों का मतलब पूरा सारा अगर हम निकालें, तो बस इतना ही आपको समझना है कि अभी आपका कोर्ट केस पूरी तरीके से ओपन है। अभी किसी भी पक्ष को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, ऐसा भी है क्योंकि जो सुनवाई हो रही है पूरी तरीके से दोस्तों ये एक्सपेक्टेड था कि यही सुनवाई होगी, इसमें कुछ नया नहीं है। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा नहीं यार ये तो नई बातें हो रही हैं बीएड को लेकर या कुछ और बातें, तो दोस्तों बिल्कुल भी नई बातें नहीं हो रही, सब कुछ पुरानी बातें हो रही हैं और ये पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपेक्टेड है। और देखिए आने वाले टाइम में भी यही दोस्तों होने वाला है। फिर से हम बता दें कि अभी दोस्तों जो आपकी सुनवाई होगी कल होगी और आने वाले समय में, तो दोस्तों यही सब बातें होती रहेंगी, ठीक है ना। शिक्षा मित्रों का दोस्तों पास्ट को दोहराया जाएगा कि नहीं पहले ये हुआ करता था, वहाँ इतने शिक्षा मित्र थे, या ऐसे ऐसे कट ऑफ लगाई कि 68,500 शिक्षक भर्ती में, तो ये रूल था दोस्तों। ये सब बातें होती रहेंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, जस्ट आप भी यही बात कहेंगे उनसे कि जो भी नियम और कानून लगाए जा रहे हैं वो सबके लिए है ना, कोई शिक्षा मित्र के लिए स्पेशल तो लग नहीं रहा, वो बीटीसी के छात्रों के साथ भी लगेगा, वो बीएड के छात्रों के साथ भी लगेगा। देखिए जब किसी के साथ दोस्तों देखिए अन्याय तब होता है ना, सबके पास समानता का अधिकार है, आपको पता है ना आपके राइट्स क्या हैं, समानता का अधिकार दोस्तों। अगर समानता का अधिकार है तो दोस्तों सभी के साथ तो समान व्यवहार किया जा रहा है ना। शिक्षा मित्रों के लिए भी 60-65 है, तो बीटीसी के लिए भी 60-65 रहेगा और बीएड के लिए भी 60-65, तो इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर बात आती है संविधान में क्या पावर दे रखी है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है, वो सब बातें दोस्तों चल रही हैं। तो फिलहाल कल तक का इंतजार करते हैं। अभी आपको दोस्तों किसी भी पक्ष को बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना था आज कि आज आपको बिल्कुल निराश नहीं होना, चाहे 60-65 की टीम से हो चाहे आप 40-45 से। कोर्ट की सुनवाई दोस्तों जो चल रही है बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि यही होने वाला है और आने वाले टाइम में दोस्तों यही सब होता रहेगा, क्योंकि दोनों पक्षों के पास कोई छुपी दोस्तों जो आपकी जो फाइनल पासिंग मार्क है ना उसको लेकर बात करने के पास किसी के पास कुछ है ही नहीं डेटा, तो बात क्या करेंगे। अगर विज्ञप्ति में कुछ भी जिक्र होता तो दोनों पक्ष दोस्तों बिल्कुल अच्छे से बात कर पाते, लेकिन है ही नहीं, तो किसी तरह दोस्तों उस बात को टालना होता है और कुछ नई बातें करनी होती है।
तो वही सब चल रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना है कि आप सरप्राइज हो रहे हैं, यार ये कहाँ से बातें आ रही हैं, ये तो कोर्ट केस में था ही नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप पासिंग मार्क को लेकर कुछ कहने को है ही नहीं, तो कोई कहेगा क्या। तो बस आप लोग ये रोज़ सुनते रहिए, जो भी कल की अपडेट्स निकल कर आएगी दोस्तों, हम आपको लाइव कोर्ट अपडेट तो देते रहते हैं, और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है दोस्तों, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल कल तक का इंतजार करना है, जैसे कोई बड़ी अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। बस आज रात को और इंतजार है दोस्तों, कल की भी सुनवाई दोपहर में ही होगी लंच के बाद। तो देखिए दोस्तों, लंच के बाद आपकी सुनवाई हो रही है, इसलिए आपकी ज़्यादा देखिए सुनवाई हो भी नहीं पा रही। अगर आप केस 2:15 बजे से टेकअप हो जाए ना, तो आपकी एक सुनवाई अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन वही 3:15 बजे आपका केस शुरू हो रहा है, जिसके कारण से दोस्तों आपको थोड़ी सी देरी देखने को मिल रही है। तो चलिए ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभरात्रि, स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल देखिए जाते जाते बस इतना कहेंगे, कोई भी पक्ष ना तो अभी मजबूत है ना कमजोर है, तो बिल्कुल भी किसी भी पक्ष को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, और जो भी सुनवाई हो रही दोस्तों बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, कल भी दोस्तों देखिएगा ऐसी सुनवाई होगी। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ना, तो भी दोस्तों वहाँ पर ऐसी ही सुनवाई होगी, इसमें कुछ नया नहीं होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।